वेलकम टू माय चैनल। प्रियंका की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। वैसे तो काफ़ी सफर में आप लोगों ने मेरा साथ दिया और आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस को लाइक किया, बहुत सारा प्यार दिखाया, बहुत सारे चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया है, अलग अलग जगहों को, फूड से लेकर के अलग अलग ज्योतिर्लिंग सब जगह गई हूँ। लेकिन आज जहाँ मैं आई हूँ वो भी किसी मंदिर से कम नहीं है। और आज जहाँ मैं आपको लेके चलूँगी तो आपको लगेगा कि आपके आसपास ऐसे लोग आपको बहुत दिखेंगे, लेकिन कभी एक सेकंड के लिए बस ख्याल आता होगा। तो आज मैं उनके साथ उनकी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, उनके साथ आज दिन रहूँगी। मुंबई से ये 100 किलोमीटर के अप्रोक्स जगह है जो कि वारा है, और वहाँ से तिल से एक जगह है जहाँ पे ये आप मेरे पीछे जो बोर्ड देख रहे हो ये सोमती पेरेंट्स एसोसिएशन का है। तो अभी जहाँ मैं हूँ सोमती पेरेंट्स एसोसिएशन में, यहाँ पे डिसेबल पीपल्स को रखा जाता है, हर एज के बच्चे हैं यहाँ पर। और आपको मैं अभी लेके चलूंगी, उनका डेली रूटीन आप देखोगे, जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं वैसे ये लोग भी नॉर्मल लाइफ ही जी रहे हैं। इनका डेली रूटीन ये कैसे फॉलो करते हैं, इनको कैसे सिखाया जाता है, और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शहर से दूर शांति में, और व्यूज बहुत अच्छे हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज का उनका रूटीन क्या है, डेली रूटीन। और ये जो है ये एंट्री है यहाँ की। ये जो एसोसिएशन है ये 9 अप्रैल 2017 में यहाँ पर आया है, मतलब इसको बनाया गया है। तो इसकी जो एंट्री है काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पर, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। आइए हम अंदर आपको दिखाते हैं कि वो लोग अपना कैसे डेली रूटीन फॉलो करते हैं। चलिए, आप मेरे पीछे देख रहे हो ये सारे डिसेबल पीपल हैं और इनको सिखाया जा रहा है तरह तरह के काम करने के लिए, तरह तरह की एक्टिविटीज़ इनके साथ हो रही है। और आज का दिन मैं यही रहने वाली हूँ और आपको इनका पूरा रूटीन दिखाने वाली हूँ। तो आप देखिए इनकी एक्टिविटीज़ ये अभी कर रहे हैं। हाय हाय, जैसे हम लोग अपने डेली रूटीन में काम करते हैं ये भी अपने डेली रूटीन में बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं, बल्कि हमसे ज्यादा बेहतर काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सूरज यादव है। मैं सोमती पेरेंट्स एसोसिएशन स्कूल से अपने सेंटर में रह हूँ। मुझे इधर पे रहे 8 ईयर्स हो गए हैं, फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये स्कूल है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक तरीके का घर है। विजिटर्स भी आते रहते होंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बातचीत करना। हमारे सब फ्रेंड्स को ना कोई आता है तो बहुत खुश अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोग आया करिएगा। अभी क्या रहता है कि इधर पटरल में क्या बोलते हैं कि सब मल्टी डिसेबल बच्चे हैं ना, तो एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि अभी कैसा रहता है कि एजुकेशन आप तो अच्छे से बोल रहे हो, हिंदी भी बोल रहे हो, इंग्लिश भी बोल रहे हो। हाँ मुझे आता है, मुझे एबेकस भी चलाने आता है। इससे ब्लाइंड बच्चे मैक्स, मेंटल मैक्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब इसी से ही करते हैं। इसका भाग जो है इसको ग्रीप बोलते हैं, ग्रीप। अच्छा, ग्रीप ब्लाइंड बच्चे इस्तेमाल करते हैं। जी, इसे ग्रीप बोलते हैं। अच्छा, और ये जो नीचे का ये हिस्सा ये बॉडी बोलते हैं, कुछ चलाना है ना। अब इसे हमें चलाना है और मुझे दिख नहीं रहा है, फिर मैं कैसे चलाऊंगा? ऐसे चलते चलते आगे जाऊंगा, ऐसे ऐसे। मालूम पड़ा कुछ सामने है,
तो फिर पहले फिर ब्लाइंड बच्चे फिर ऐसा पैर से चेक करेंगे, ऐसे चेक करते पैर से, ये नहीं रहेगा तो बच्चे खड्डे में गिर सकते हैं ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। थैंक यू, वेरी गुड, कितना अच्छा गाना गाया और कितना कुछ एक्टिविटी मेरे को सिखाई दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा ऐसा ऐसा, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बच्चों को कितने अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्कुल घर की तरह आप लोग रहते हो सब। जी, एक तरीके का हमारा घर मंजिल दोनों एक ही है, घर और मंदिर दोनों एक ही है, तो ये जगह किसी मंदिर से कम नहीं है जी। तो आगे मैं यहाँ पे और भी चीज़ें आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर क्या क्या चीज़ें इन लोगों के लिए बनाई गई है, इनका रहना, इनका खाना, इनकी एक्टिविटीज़ कैसे क्या होती है, वो सब अभी चलते हैं देखते हैं। तो अभी ये लोग कहाँ रहते हैं, कैसे इनको रखा जाता है, अभी हम वहाँ लेके सर मुझे लेके आ रहे हैं। इनका कमरा है जो आप देख रहे हो, यहाँ पे रहने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट है और पूरा नीट एंड क्लीन भी रखा गया है इनके लिए। तो ये सारे बेड हैं लगे हुए और हर बेड के बीच में टीचर्स रहते हैं, एक टीचर रहते हैं, ये बॉयज़ का है सेक्शन और अभी जो हम जाएंगे वो गर्ल्स भी है यहाँ पर। अभी यहाँ पे दो गर्ल्स हैं लेकिन एक बीमार थी तो उनको घर भेज दिया गया है, एक अभी अवेलेबल है जो कि आपको मेरे कैमरे में दिख जाएगी। तो यहाँ टीचर्स रहते हैं और बच्चों को प्रॉपर पता रहता है कि कहाँ उनकी क्या चीज़ें रखी हुई है, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती उनको। इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर ज़रूरत पड़ती है तो टीचर अवेलेबल रहते हैं एनी टाइम, 24 घंटे टीचर रहते हैं। ये पूरा जो है ये हॉल एक्टिविटी है, यहाँ पे सारी एक्टिविटी वगैरह कराते हैं। तो ये लोग मतलब ये स्पोर्ट्स वगैरह भी करते हैं जैसे अब मतलब सर्कल बनाते हैं और फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, तो एक दूसरे को ये लोग अच्छा करते हैं। ये जो है ये ब्रेन लिपि है और इसी के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है, सिखाया जाता है नंबरिंग और अल्फ़ाबेट्स, सबकी नॉलेज दी जाती है। और ये इनका टाइम टेबल है, वेजिटेबल्स जैसे सब्जी वगैरह भाजियाँ वगैरह ना तोड़ना निचोड़ना मटर छीलना अच्छा। ये सब देते हैं। एजुकेशन में हम लोग जैसे मोबिलिटी हुआ, अवेकस हुआ, मैथ्स वगैरह और कुछ ब्रेल में हम लोग सिखाते हैं जैसे एट के वी जी सी वगैरह। और फिर ये वोकेशनल एक्टिविटी जैसा कि आप लोग अभी जस्ट देख रहे हैं, गार्डन में क्या क्या चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफिकेशन कराते हैं ताकि हर चीज़ पता रहे कि उनको यहाँ पे ये है। तो ये जो अभी हम आए हैं ये है लड़कियों का रूम, की लड़की है और उनके साथ टीचर रहती है, लेडी टीचर और ये सब उनके सामान रखने के लिए दिया। ये ज्वेलरी वगैरह जो है ये सब इन लोगों ने ही बनाया है, एक्टिविटीज़ करवाते हैं इनसे और ये लोग सारा खुद से टीचर्स हेल्प करते हैं और ये लोग बनाते हैं ये सब चीज़ें। और इनका जगह जगह मुंबई में स्टॉल लगता है, इनकी प्राइसिंग डिसाइड होती है और फिर ये सेल में जाते हैं और इनके सेल से जो फंड आता है वो इनके ही देख रेख में खर्च होता है। और मैं देख कर बिल्कुल दंग रह गई हूँ और यहाँ आने का जो मेरा सौभाग्य मिला है मुझे, ये आनंद जी की वजह से मिल पाया है मुझे, इसलिए आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। पहली बार मुझे यहाँ के लिए इनवाइट किया कि आप आइए आप आइए और मैं यहाँ तक आई हूँ। और मुझे लग रहा है कि ब्लॉगिंग जो मैंने स्टार्ट की थी ना वो उसका सही पर्पस अभी मुझे मिला है, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ये आनंद जी हैं जो यहाँ के टीचर हैं और ट्रेनर हैं, इन बच्चों के साथ 24 घंटे ये यहीं रहते हैं। बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है इन बच्चों को ट्रेन करना, इनको इस लायक बनाना कि ये हमसे आके बात कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल काम है सच में, मतलब एक इन लोगों को मैं क्या बोलूँ कि मतलब मंदिर इतने सारे गए हैं पर मंदिर के देवता से कम नहीं है ये लोग जो ये काम कर रहे हैं। मतलब हम जैसे नॉर्मल इंसान को ऐसी जगहों पे, हम एक कभी सड़कों पे चलते हुए एक सेकंड के लिए हमें ऐसे लोग दिखते हैं लेकिन हम सिर्फ एक सेकंड के लिए उनको देखते हैं, ये इनके साथ 24 घंटे रहते हैं। तो आप सोचो मतलब ऐसी जगहों पे आना चाहिए, आप लोगों को भी आना चाहिए, मिलना चाहिए, इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। कहते हैं ना कि जैसे सहारा देकर तो देखो कठिन रास्ते भी सरल हो जाते हैं,
इसलिए हम लोग एकदम इन बच्चों को सरल बनाते हैं कि जैसे नॉर्मल बच्चा करता है वैसे ही हम लोग भी कर सकते हैं। तो अभी इन बच्चों का जो डाइनिंग एरिया है, इनका किचन है, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। ये इनका डाइनिंग एरिया है जहाँ ये खाते हैं। अभी ये इनका किचन है जहाँ पे इन बच्चों का खाना बनता है, टीचर्स का खाना बनता, विजिटर्स का भी यही बनता है खाना। ये मौसी है जो अभी बना रही हैं चपाती दाल। आज का क्या है लंच में, क्या क्या बन रहा? सब्जी बनी है, गोभी की सब्जी है, दाल बन रहा, राइस भी बनती है, राइस भी बनेगी, रोटी बन रही। और अभी यही रहते हो कि गांव के ही हो? गांव के फिर रात को चले जाते हो? साढ़े पाँच बजे तक खाना बन जाता है रात का, तो 5:30 बजे तक यहाँ खाना बन जाता है। और इनका ये पूरा किचन है, देख रहे हो आप, नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है पूरा। का स्टोर है हर एक सामान, हर एक चीज़, क्योंकि ये जगह जो है ना, ये थोड़ा शहर से दूर है, इस वजह से इनका पूरा स्टोर रखा गया है, स्टोर करके। ये स्टोर रूम है, दाल चावल आटा सब कुछ है, कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये बिल्कुल हर चीज़ मेंटेन करके रखा है इन लोगों ने। यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी है, दो लगे हुए हैं सब बच्चों के कपड़े धोने के लिए। और मौसी जो है वो सारा कुछ करती है यहाँ पर। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर भी यहाँ पे कमरे हैं, विजिटर्स के लिए कमरे बनाए गए हैं, बच्चों के पेरेंट्स के लिए बनाए गए हैं। जो एक दो दिन जब नए बच्चे आते हैं तो वो एडजस्ट जब तक नहीं करते हैं तो उनके पेरेंट्स यहाँ रुक सकते हैं। तो बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स या विजिटर्स हैं, अगर एक दो दिन के लिए इधर आते हैं तो उनके स्टे का यहाँ पर इंतज़ाम है, क्योंकि आसपास कोई होटल्स भी नहीं अवेलेबल है, तो इस वजह से उनके लिए बनाया गया। तो यहाँ अगर मैं रुकना चाहूँ तो रुक सकती हूँ? कभी भी आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आज कि मैं अभी हाँ एक दिन यहीं रुकने वाली हूँ। फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। टोटल ऊपर 5 रूम है और सारे विजिटर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो सोलर प्लांट है, अगर बारिश होती है, लाइट्स नहीं है, सोलर सन नहीं आता है, तभी इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे इनसे भी इनका सारा काम हो जाता है। तो आप देखो अरेंजमेंट देखो कि हर कुछ कर रखा है यहाँ पे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आसपास का एरिया देखो, आसपास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी गई है। 2 साल लगे थे इनको पूरा बनने में, 2015 से बनना स्टार्ट हुआ यहाँ पे जो सेंटर है, और 2017 में इसकी ओपनिंग हुई थी। और पहले ये थाने और अंधेरी में हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा एरिया, क्योंकि मुंबई जैसी सिटी में इतना बड़ा एरिया नहीं मिलेगा, इस वजह से इसको शहर से दूर बनाया गया। और बिल्कुल एकदम फ्रेश एयर और शांति का पूरा जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे, उसके हिसाब से मतलब बच्चों के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको ज़रूर यहाँ पे विजिट करना चाहिए, आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यही आना चाहिए, इस तरह के जो भी सेंटर्स हैं मुंबई में, मुंबई से बाहर, या आप जहाँ से भी ये मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको वहाँ अपने नियरेस्ट जाना चाहिए, इन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि टीचर्स की हेल्प से इन लोगों को गेम खिलाए जा रहे हैं, जैसे हम और आप खेलते हैं उसी तरह से इनको भी सिखाया जा रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं वो 15 से 40 इयर्स तक के हैं, और यहाँ की जो कैपेसिटी है वो 50 बच्चों की है कैपेसिटी, 25 गर्ल्स एंड 25 बॉयज। और यहाँ पे अभी तो सबके पेरेंट्स हैं, तो वो छुट्टियों में घर ले जाते हैं,
इनको, और या फिर मिलने के लिए यहाँ आते हैं, या फिर कभी सेंटर की तरफ से भी गाड़ी जाती है तो उनसे भी भेजे जाते हैं बच्चे। लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है तो उनको लाइफ टाइम के लिए भी यहाँ रखा जाता है इस सेंटर। हमारा एक थॉट है, टूट गई सहारे की डोर, अब लौट चलो सोपती की ओर। तो अभी जो है दोपहर के बज रहे हैं 1:40 जो मेरे घर में दिखा रहा है, और इनका हो गया है लंच टाइम। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये बच्चे लंच कैसे करते हैं और सब खुद से खा रहे हैं। एज होने के बाद 18 साल 20 साल, तो और उसके बाद फिर बच्चे आगे पढ़ भी नहीं सकते, उनका एजुकेशन भी नहीं हो सकता मल्टी डिसेबल का। और उसके साथ साथ अदर एक्टिविटी वगैरह भी स्कूलों पर नहीं सिखाई जाती, खास करके वहाँ शुरू किया जाता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि पढ़ ले, लेकिन उसके बाद क्या? हाँ, इसमें इसमें ग्रुप्स होते हैं, एक जैसे हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड वगैरह होता है, उसी तरह इन बच्चों मल्टी डिसेबल का भी ग्रुप होता है, प्री अर्ली, अर्ली, उसके बाद फिर ट्रांजिशन, प्री वोकेशनल, फिर वोकेशनल, ये 4-5 उनके भी क्लास हैं जिनको जिनकी एबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, एज बढ़ती जाती है, उनको अलग अलग ग्रुप में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जैसे मल्टी डिसेबल जो भी हैं और जिनका जैसा लेवल है, उस तरह हमारे पास तो क्लास सेटअप नहीं है, बच्चों का जैसा लेवल उस तरह हमारे पास क्लास तो सेटअप नहीं है, बट हम खुद में वो ध्यान रखें कि किन बच्चों को कैसा काम दिया जाए वो करवा सकते हैं। अगर इस तरह का कोई आपके पास काम निकले कि लाइक पैकिंग का, कुछ भरने का या ऐसा कुछ, तो आप बल्क में भिजवाइए, बच्चे यहाँ से भर के पैक करके भेज सकते हैं हमारे सपोर्ट के द्वारा। तो फाइनली आज का दिन बहुत अच्छा गया, आज का पूरा टाइम मैंने यहाँ पे सोमती पेरेंट्स एसोसिएशन में बिताया, जहाँ पे स्पेशल लोगों के साथ स्पेशल फील किया, हमने इनके साथ खाना खाया, हमने इनके साथ टाइम स्पेंड किया, गेम्स खेले, बहुत कुछ एक्टिविटी करने को मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे। और अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो ये मुंबई से काफ़ी दूर तो नहीं है, लेकिन आप मुंबई से कनेक्टेड हैं, मुंबई से ये पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वारा एक जगह है, वहाँ से तिल से आपको आना पड़ेगा और ये सोमती पेरेंट्स एसोसिएशन का आपको दिख जाएगा। ये थोड़ा सा आउटसाइड में है, लेकिन इतना स्पेस इनको सिटी में नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ा आउटसाइड में बनाया गया है। और आज का दिन बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। तो आप भी ऐसी जगहों पे जाइए, लोगों से मिलिए, उनसे जानिए वो क्या चाहते हैं, उनकी बातें सुनिए, आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बहुत जल्द ही ये ब्लॉग मेरे चैनल पे आ जाएगा, तो आप कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें।